सनमति, सागर मोबाइल, धनतेरस और दीपावली की खरीदी पर पाएं विशेष उपहार। 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। पता याद रखें, विश्व भारती रोड, भगवानगंज, सागर। यहाँ खूबसूरत लड़कियाँ कलकत्ता और मुंबई से मंगाई जाती थी। बाकायदा 3-4 दलाल अमीरजादों और अय्यासों की डिमांड पर इन लड़कियों को बुलाते थे। आज ऐसे ही सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जहाँ 5 लड़कियाँ जो कलकत्ता और मुंबई से बुलाई गई थी, उनके साथ 7 लड़के होटल में बंद कमरों में अय्यासी और जिस्म फरोशी कर रहे थे। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र से जुड़ी है, जहां लव होटल में एक बड़े सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। अमीर जादों को ये विश्वास दिलाया जाता था कि होटल में शराब, सबाब और कबाब की गारंटी होगी। अमीर जादे और अय्यास लोगों को यहाँ बुलाया जाता था, फिर मुंबई और कलकत्ता से जिस्म बेचकर रोजी रोटी कमाने वाली लड़कियों को इनके साथ हम बिस्तर कराया जाता था। आज पुलिस ने इस बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग, होटल चेकिंग के दौरान जानकारी मिली थी कि एक होटल में कुछ महिलाएं और पुरुष संदिग्ध अवस्था में है, तब जाकर दबिश दी गई महिला उप निरीक्षक प्रियंका शर्मा द्वारा। तो वहां पाया गया कि 5 महिलाएं और 6 पुरुष हैं जो देह व्यापार करते पाए गए हैं, उनके पास संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं। और जो पूछताछ की गई तो पता चला कि महिलाएँ बाहर से इंदौर के दो एजेंटों द्वारा बुलवाई गई थी। उन दो एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया। उन एजेंट से जो होटल मालिक नीरज शर्मा था वो भी मिला हुआ था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। मुकेश, सोनू और प्रदीप जोशी नाम के दलाल होटल संचालक नीरज शर्मा के साथ मिलकर इस बड़े सेक्स रैकेट को चला रहे थे, जिसकी खबर काफी दिनों से पुलिस को थी। आज पुलिस ने इस बड़े सेक्स रैकेट को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जहाँ 5 लड़कियों के साथ 7 लड़के जिस्म फरोशी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।